हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। तो आपने देख ही लिया होगा चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि सेकंड काउंसलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आउट हो चुकी है। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन में देख सकते होंगे कि आपको सीट किस स्कूल में और किस स्ट्रीम में मिल चुकी है। एंड अब आगे क्या करना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है, न्यू स्टूडेंट्स हैं या माइग्रेटेड स्टूडेंट्स हैं और कब तक करनी है, ये हम सब इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये देखिए, हम चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर हम जब स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये देखिए क्विक लिंक्स में ऑनलाइन लिंक फॉर सेकंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अगेन ये नोटिस, इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे ऑनलाइन लिंक। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट नोटिस दिखाई देगा सेकेंड काउंसलिंग के बाद। तो ये देखिए लिखा है कि प्लीज़ चेक योर स्कूल एंड स्ट्रीम अलॉटेड टू यू आफ्टर लॉगिंग इन विद योर क्रीडेंशियल्स। तो आपको पहले लॉगिन करना है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन में। आप जाकर अपनी डिटेल फिल करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपके सामने पता लग जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल और कौन सी स्ट्रीम अलॉट हुई है। स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड स्कूल्स एज अ फ्रेश एडमिशन, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अगर आपकी फ्रेश एडमिशन में एडमिशन हुई है, फ्रेश एडमिशन मतलब कि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिली थी, अब फर्स्ट टाइम आपको मिली है सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन, या फिर अगर आप माइग्रेटेड स्टूडेंट भी हैं। माइग्रेटेड मतलब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल गई थी किसी स्कूल में, लेकिन उन्होंने अब स्कूल चेंज करवाने के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कूल चेंज हो गया है, उनको एडमिशन दूसरे स्कूल में मिल गई है, इन दोनों ने ही मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके सामने ये ऑप्शन होगा, ये आइकन आया होगा मेक ऑनलाइन पेमेंट का, तो इस पर आपने क्लिक करना है। ये देखिए मेक ऑनलाइन पेमेंट, तो ये जो आपके वहाँ लॉगिन करके पेज पर ये दिखाई दे रहा होगा, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, मतलब ज़रूरी है दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आपको फर्स्ट टाइम एडमिशन मिली है, चाहे आप माइग्रेटेड स्टूडेंट हैं, ताकि आपने अपनी अलॉटेड सीट जो है वो खो ना दे। तो अपनी अलॉटेड सीट को, जो आपको सीट मिली है, उसको सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, नहीं तो वो सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और फीस आपने 26 सितंबर रात के 11:59 से पहले आपने पे कर देनी है। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये ज़रूर करना है कि आपने फ़ी ज़रूर पे कर देनी है। और क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि जो माइग्रेटेड स्टूडेंट हैं, जिन्होंने पहले ऑलरेडी फ़ी दे दी है, उन्हें लग रहा है कि हम फ़ी क्यों दें। तो देखिए एडमिशन फ़ी जो है वो है 1300 कुछ, और रिज़र्व कैटेगरी की है 700 कुछ। तो आपको जो है वो वाली फ़ीस नहीं देनी है जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। ये फ़ीस को एडजस्ट करके आपने सिर्फ 150 रुपीज़ देना है जो माइग्रेटेड वाले हैं, और जो न्यू स्टूडेंट मतलब जिनको फर्स्ट टाइम एडमिशन मिली है, उन्हें पूरी एडमिशन फ़ी पे करनी है। अब फ़ी डिपॉज़िट करने के बाद स्टूडेंट्स अपना एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके वो सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ, और साथ ही अपनी फ़ी की रिसीट लेके जाएंगे अपने अलॉटेड स्कूल में। तो जिस स्कूल में भी आपको एडमिशन मिली है, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ। और जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी एडमिशन मिल गई थी, माइग्रेशन जिन्होंने करवा लिया है, वो अपने पहले वाले स्कूल में जाकर वहाँ से SLC लेकर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो लेकर, और साथ में अपना जो है फॉर्म्स और रिसीट फ़ी पेमेंट की, एंड अपना जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स है वेरीफिकेशन के लिए, वो लेके जाएंगे। आपके जो मार्कशीट्स, DMCs, और आपने अगर SC सर्टिफिकेट लगाया है तो ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आप फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों ही लेके जाएंगे। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये, चाहे आप न्यू एडमिशन वाले हैं, चाहे माइग्रेटेड स्टूडेंट वाले हैं, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी जो DMC है, जो मार्क लिस्ट है 10th क्लास में, एंड जो आपने SC सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं एडमिशन के लिए वो, प्लस अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ और अपना जो एडमिशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फ़ी की रिसीट, ये सभी आपने लेके जाने हैं और उस स्कूल में जहाँ पर आपको सीट अलॉट हुई है। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, ये सभी आप लेके जाएं।
तो ये देखिए आपने कहाँ पर जाके चेक करना है, आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे। तो स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आपने मोबाइल नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर 10th क्लास का, पासवर्ड, देन ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर टाइप करेंगे जो नंबर आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे 0631 दिख रहा है, तो आपको जो नंबर दिखाई दे रहा होगा आपने वहाँ वो यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करना है। आपका जो पेज खुल जाएगा स्कूल लॉग आपका स्टूडेंट लॉगिन का, एंड सामने आपको दिखाई देगा कि आपको कौन सा स्कूल कौन सी स्ट्रीम अलॉट हुई है। तो स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपनी एडमिशन करवा लें, अपनी फ़ी पे कर दें और अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लें। सो ऑल द बेस्ट।